परम पिता परमात्मा शिव अवतरित भूमि मधुबन आते हैं भगवान भारत में। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ना, ये हमारी आदरणीय दादी गुलजार दादी जी का स्मृति दिवस है। ये 2 साल पहले जैसे मतलब जिस हिसाब से दादी जी ने शरीर छोड़ा था ना, शिवरात्रि का दिन था, हम सेंटर पर मुरली सुन रहे थे, अचानक बीच में खबर आती है कि दादी जी गई है ना। तो ये इसका स्मृति जब पहला स्मृति दिवस था ना, मैं यहीं पर था, अपने ग्रुप के साथ आया था दिल्ली जोन के अंदर। तो ये इतनी शांत प्रिय जगह है, ये स्तंभ और सामने दादी प्रकाशमणि जी का स्तंभ। जैसे थोड़ा कभी तनाव होता है ना बाबा के यहाँ आने के बाद, तो यहाँ बैठ रहे हैं आप या वहाँ बैठ रहे हैं, आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो ये जो स्तंभ है ना दादी गुलजार जी का, और दादी गुलजार को वैसे भी कहते थे मिनी, यानी बाबा के तन में भगवान आते थे, तो वो बड़े हो गए, ये छोटी थी छोटा। अभी ये दादी जी के आज भी वीडियो आते हैं इनके, वो ही अब आते, जैसे हमने तो खैर इनको देखा ही नहीं, मत जी जब ये आत्मा इनके शरीर में थी ना, तो जो इनकी आवाज़ थी ना, आज भी हमारे कान सुनते हैं दादी की बातें सुन के, आत्मा इतना रिलीफ महसूस करती है। दादी की बातें ऐसी होती है, भारी भारी बातें, क्या हो गया हो रहा है नहीं, दादी कहते थे कितना भी बड़ा कोई बात हो ना, क्या हुआ, परिस्थिति तो है, आई है चली जाएगी। आज भी दादी जी की वीडियो देखते हैं, और बगल में दादी जानकी जी का स्थल। दादी जानकी जी ने 27 जनवरी को शरीर छोड़ा था, उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हम लोगों को भी पता चला, मगर बसरते आने को तो हमारा बहुत मन था यहाँ आने के लिए, पर उस समय लॉकडाउन था। तो दादी जानकी भी ऐसे चाहते भी थे कि उनके जब उनका शरीर छूटे ना, तो यज्ञ का कोई ऐसा पैसा भी खर्चना हो। तो ये दादी और ये जानकी दादी दोनों एक साथ, ये शिवरात्रि पे वो जनवरी पे, तो